मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, वकीलों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं व बुजुर्गों आदि के भी विकास एवं उत्थान के लिए अनेकों ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और इस बार भी सरकार बनने पर वो सभी कार्य फिर से शुरू किए जाएंगे और खासतौर से बेरोजगार नौजवानों को ये बताना चाहती हूँ कि जब चार बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो आप लोगों को बड़े पैमाने पर रोटी रोजी के साधन मिले, लेकिन उसके बाद से आप लोगों की उपेक्षा की गई है। और जब बीएसपी की सरकार बन जाएगी तो बीएसपी की सरकार बनने पर इस बार बेरोजगार नौजवानों को रोटी रोजी के साधन जरूर दिए जाएंगे। तो उन सभी मामलों को निपटाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और उनकी सही मांगों को मान लिया जाएगा। दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के जन ने अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा पूरा आदर सम्मान दिया गया है और आगे भी इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और देश में विशेषकर गरीबी व बेरोजगारी आदि को दूर करने के लिए इस बार भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। किसी भी मामले में किसानों को भी किसी भी मामले में निराश नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा आपके कानपुर मंडल की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी दूर करने का पूरा पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके साथ विवादित नियमों व कानूनों को ना लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके साथ ही बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी सपा आदि के शासनकाल की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब या लचर नहीं होने दिया जाएगा। मेरी सरकार ने उड़ान की तरह हमारे दलित वर्ग की बहन बेटियों को तो दो दो महीने उनकी हत्या करके गड्ढों में नहीं डालने दिया जाएगा, जैसे उन्नाव में आप लोगों को एक घटना देखने के लिए मिली है। तथा हर स्तर पर यहाँ कानून द्वारा कानून का राज ही कायम किया जाएगा। हमारी पार्टी नई पेंशन व्यवस्था से कतई भी सहमत नहीं है, इसलिए बीएसपी की सरकार बनने पर फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही लागू किया जाएगा। इसके साथ साथ मैंने पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान सब जन निकाय व सब जन सुखाय को लेकर जो भी कार्य करने के लिए कहा है तो उन पर भी जरूर अमल किया जाएगा। लेकिन ये सभी कार्य करने के लिए चुनाव में यहाँ बीएसपी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है।